सारी दमने कमाल कर दिया आपने मनु दादा. सच कहो तो छक्के छुड़ा कर रख दिए अपने उर्वशी के. उसका चेहरा देखने लायक था मनो भाभी, ऐसे सफेद हो गया था जैसे उसने भूत देख लिया हो. चेहरे पर परेशानी, माथे पर पसीना, उफ मजा आ गया. उसकी हालत देखने लायक थी मनो भाभी. तूने, अरे उसकी हालत का अंदाजा तो मैं अपनी हालत देख के लगा सकती हूँ. चिंता के कारण पसीने छूट रहे थे. बार बार यही विचार आ रहा था मन में, अगर कुछ गड़बड़ हो गई और ये मशीन ना चली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. अरे भाई बेटा सलोनी, अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा. ये मशीन मशीन का चक्कर मेरे बस में नहीं है. अगर मैंने कोई गलत बटन दबा दिया और नाहर की आवाज की जगह कोई गाना बजने लगा तो मुसीबत की मुसीबत हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ना सही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप पर. और ये आइडिया भी तो आप ही का है, तो साथ तो देना पड़ेगा आपको. मुझे पूरा यकीन है मनो भाभी, उर्वशी ने हमारे इस नाटक को सच मान लिया है. अगर ऐसा है तो तेरे मुंह में घी चक्कर. लेकिन बेटा ये जीजी बड़ी शातिर है, पता नहीं और क्या क्या चालें सोच रही है. हमें अब हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा, तभी हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं. अमृत जी आप तैयार है ना, क्योंकि अब सारा दारोमदार आपके कंधे पे है. जी हम बिल्कुल तैयार है मन्नू भाभी. हेलो, मैं नाहर बोल रहा हूँ उर्वशी. मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आया था ना कि मैं लौट आया, इसलिए आज मैं खुद तुम्हारे सामने आया तुम्हें यकीन दिलाने कि मैं मौत के मुँह से वापस लौट आया हूँ और तुम्हारे बहुत करीब पहुँच चुका हूँ. अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे उर्वशी. क्या बकवास कर रहे हो, जस्ट शट अप. हम अच्छी तरह से जानते कि तुम फ्रॉड हो, तुम नाहर नहीं हो सकते. और तुम हमारे साथ ये सब जो खेल खेल रहे हो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है. याद रखो, ये नाटक तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है. जो इंसान मौत के मुंह से लौट आया, तुम उसे डरा रही. मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने नहीं आया, बल्कि जो मौत का खेल तुमने मेरे साथ खेला था, मैं उसका बदला लेने आया. बच सको तो बच लो उर्वशी, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास. देखो तुम, ये नहर नहीं हो सकता, ये जरूर वो फ्रॉड अमृत है और ये बात अभी साबित हो जाएगी.
ये बहरूपिया तो यही है, तो जिसे हमने देखा वो कहीं वो सच में नाहर तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? नाहर नाहर जिंदा कैसे हो सकता है? आप इतनी रात को यहाँ, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। हमने खुद नाहर को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, फिर वो लौटकर कैसे आ सकता है? और अगर वो वाकई नाहर है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आता? और क्या उसे पता है कि उसका कोई आम शक्ल भी है जो इस घर में रह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। ये खेल हमारे साथ किस्मत खेल रही है या फिर सलोनी? अगर ये खेल हमसे सलोनी खेल रही है तो सलोनी और अमृत का जो आश्रम करेंगे ये वो जान भी नहीं पाएंगे। कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी हो जाएगी। सुनिए, आप मेरे और मेरे घर के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। भाई साहब, ये दोनों बच्चों का दूध अठे रखा है, मैं ईशान को सबको टिफिन दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मेरी दोनों बेटियाँ दूध पिएंगी। भूख लगी है ना? लाइए उसको मेरे पास दीजिए। जी नहीं, बल्कि आप वो बॉटल हमें दे दीजिए, क्योंकि अब हम भी सीख गए हैं कि बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है, और आज हम अपनी बिटिया को खुद दूध पिलाएंगे। लाइए दीजिए। ठीक है। अरे क्या हुआ? अब वो जरा लगता है आप दोनों के बीच का प्यार कुछ ज्यादा ही गहरा होता जा रहा है। ये तो अच्छी बात। लाइए उसे मेरे पास दे दीजिए, मैं उसके कपड़े चेंज करवा लाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप सावरी के साथ ही रहिए, अपनी बेटिया के कपड़े भी हम खुद बदलवाएंगे। आप? लेकिन आपको ये सब कहाँ आता है? हम सब संभाल लेंगे। चलो चलो दूध पियो। अरे ईशान कुमार साहब, थाकी उम्र के बच्चे तो इतने समझदार नहीं है जितने आप हो। ये तो बहुत ही अच्छा हो। दूर रहिए मेरे बस्ते से, हाथ नहीं लगाना इसे। श्वेता की नैपी कहाँ रखी है? ठीक से देखिए, वही अलमारी में रखी है। मुझे आपके छुआ हुआ ये टिफिन नहीं चाहिए। जाके अपनी बेटी को खिला दो जिसने कल मेरी पेंटिंग बिगाड़ दी थी। ईशान, क्या बदतमीजी है ये? अरे बाबा, मैंने हर जगह देख लिया है, यहाँ कहीं नहीं है। अरे वही रखी है,
अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। कल भी आपने मुझे इसी बात पे डाला था और आज भी, जबकि गलती इनकी उस कारीगर की बेटी की है। ईशान अब आगे तुम और कुछ नहीं बोलोगे। मैंने कल तुम्हें समझाया था कि नहीं समझाया था कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन मामी साहब, ईशान मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें स्कूल जाना है, जाके नाश्ता करो, जाओ जाओ। सावित्री, I'm sorry, बुरा मत मानना। नहीं नहीं भाई साहब, काली कलोटी, ईशान मैं कहती हूँ उधर आओ। इधर आओ, क्या किया तुमने सावी को? क्यों रो रही है वो? उसके दूध की बोतल तुमने फेंकी है ना? ईशान जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी जी बड़ी मम्मी साहब, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ईशान तुम कहीं नहीं जाओगे। ईशान बेटा तुम्हारी बहन जैसी है। नहीं मम्मी साहब, ये काली कलोटी मेरी बहन नहीं हो सकती है। मुझे मालूम नहीं ये घर में क्या कर रही है, इसे तो घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ईशान दोबारा तुमने ऐसे किया ना तो मेरे हाथ नहीं रुकेंगे, थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। अब जाओ अपने स्कूल जाओ। तेरी वजह से आज बड़ी मामी ने मेरे पर हाथ उठाया, अब तो मैं तुझे इस घर से निकाल के रहूंगा, देख रहा तू। ये हुई ना बात, अब हमारी बेटी रानी बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। चलो चलो पापा आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे। आपकी राजकुमारी आपसे भी कुछ कह रही है, जरा उस पर भी तो ध्यान दीजिए। कहना चाहती है लेकिन क्या? यही कि पापा आप भी अपने कपड़े बदल दीजिए, वरना किसी ने आपको इन भीगे कपड़ों में देख लिया तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। हम तो भूल ही गए थे, हम अभी बदल करके जाते हैं। अरे आप रुकिए, मैं आपके लिए दूसरा कुर्ता लाती। अरे हम अपनी बिटिया को काला टीका लगाना तो भूल ही गए, कहीं आपको किसी की बुरी नजर ना लग जाए। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। जिस हिसाब से आप इसे प्यार करते हैं, मुझे लगता है आप ही की नजर लगेगी। अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हें भी काला टीका लगा देना चाहिए, क्योंकि प्यार तो हम
नाहर जिंदा है ये बात हम कभी नहीं मान सकते, लेकिन अगर वो नाहर नहीं है तो वो है कौन? कहीं वो अमृत की तरह सलोनी का ही कोई दूसरा मोहरा तो नहीं जिसके सहारे वो हमसे ये लड़ाई जीतना चाहती है? लेकिन एक ही शक्ल के तीन तीन इंसान कैसे हो सकते हैं? हेलो हेलो, देखो इस तरह चुप रहकर हमारा और अपना समय जाया मत करो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन है। बोलो क्या काम है? कल तक तो तुम मेरी आवाज भी भूल चुकी थी और आज मेरी खामोशी को भी पहचान लिया। लगता है कल रात की मुलाकात का काफी असर हुआ है तुम पर। गलत फहमी है ये तुम्हारी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से हम ये मान लेंगे कि तुम नहारो तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलो सच सच बताओ, चाहते क्या हो? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवाना, और वो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम वाकई नहार हो? चलो ठीक है, एक पल के लिए हम ऐसा मान भी लेते हैं कि तुम ही नहार हो, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम सबके सामने क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम्हारा मकसद हमें सजा दिलाने का है तो ये काम तो तुम दुनिया के सामने आकर भी कर सकते हो। बल्कि तुम्हें नहीं लगता ये काम तुम्हारा ज्यादा आसान हो जाएगा? क्योंकि हमें सजा दिलाने का मकसद तो तुम्हारे पूरे खानदान का है। ठीक कहा तुमने, ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी है, लेकिन मैं इसे अपने दम पर ही लड़ना चाहता हूं। अकेले मैं अपने परिवार के सामने आऊंगा, लेकिन तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद, और ऐसा करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे हर गुनाह का हर सबूत है मेरे पास। सबूत? तुम हमें डराना चाहते हो? लेट मी टेल यू मिस्टर सो कॉल्ड नहार, डरने वाले लोगों में से हम नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम दुनिया के सामने बता सको, लेकिन हमारे पास जरूर ऐसा कुछ है जिसे सुनते ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन फोन पर नहीं। इसके बाद हमारी जो भी बातचीत होगी वो आमने सामने होगी। फाइन, हमें मंजूर है। कहाँ मिलना है और किस वक्त? आज, लेकिन जगह और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, तुम हमें बता दो मिलना कहाँ है, दैट्स ऑल। देखना काली कलोटी कि मैं तुझे कैसे मजा चकाता हूं। नहार आदत डालो इन अंधेरों की उर्वशी।